दोस्तों बात करें तो इंडिया के अंदर टॉप 5 स्मार्ट वॉच ब्रांड के बारे में आप बता सकते हो कौन से, यानी कि वो स्मार्ट वॉच के ब्रांड जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकते हैं। चलिए आपको सरप्राइज करता हूँ। नंबर 1 कंपनी फायरबोल्ट है, सेकंड नंबर पे पता कौन सी कंपनी आती है? नॉइस। थर्ड पे बोट आती है, फोर्थ पे टाइटन है, फिफ्थ पे बीट एक्सपी है। पता है इन टॉप 5 कंपनीज में खास बात क्या है? यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना, ये सिर्फ RTOS की स्मार्ट वॉच की यूज करती है। आप लोग ये बात समझ गए ना कि आज के समय में स्मार्ट वॉच का कंसेप्ट तो तेजी से पॉपुलर हुआ और काफी सारी कंपनीज ऐसी है जो अपनी बहुत ही अलग अलग टाइप की स्मार्ट वॉचेस निकालते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, सबकी सब बिल्कुल एक जैसी लगती है, सबके अंदर आपको वैसा का वैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और देखा जाए तो प्रोडक्ट यहाँ पे कितना भी सस्ता क्यों ना हो, उसके अंदर आपको क्वालिटी तो देखने को मिलती नहीं है, खास तौर पे जितनी भी बजट स्मार्ट वॉचेस है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अच्छी स्मार्ट वॉचेस को छोड़ के सिर्फ इनके पीछे ही यहाँ पर भागते हैं, और इनको हम कितना भी क्रिटिसाइज कर दे इनकी सेल्स कम होने का नाम नहीं लगती। तो क्या ऐसा रीजन है कि जितनी भी वर्स्ट स्मार्ट वॉचेस है वो यहाँ पे लोग आज के समय में खरीदते रहते हैं? देखो, सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस का जो कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा अलग है। लोगों को पहले सिर्फ टाइम देखने के लिए किस वॉच की जरूरत पड़ती थी, लेकिन फिर जब स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन आया तो लोग मोबाइल फोन के साथ साथ वॉचेस के अंदर भी नई नई चीजें करते हैं। और जब से आपके फिटनेस बैंड पॉपुलर हुए, जिस सबसे उसके अंदर हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह हुई, तब से ये चीज पॉपुलर होती गई। और आज के समय ज्यादातर जो स्मार्ट वॉचेस है ना, उनको मैं स्मार्ट वॉच कह भी नहीं सकता, बेसिकली मैं उनको एक फिटनेस बैंड कह सकता हूँ जो कि एक वॉच के फॉर्मेट में आता है। लेकिन एक बात ये कि फिर भी ये जो वॉचेस होती क्यों बिकती है? देखो, एक बात बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो लोग हैं वो भले ही मोबाइल फोन पे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक स्पेंड कर दे, लेकिन जब एक स्मार्ट वॉच खरीदने की बारी आती है ना, तो लोग 2,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करने का नहीं सोचते। इवन TWS ईयरफोन भी लेंगे तो उस पर 2-3 हज़ार से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। जबकि मेन बात यह कि उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट हम डेली यूज करेंगे, कुछ साल तक चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा, 1.5-2 साल के बाद फिर हम अपना जाके बदल लेंगे। यहाँ पे ये कहानी साइकिल में चलती रहेगी। और इसी छोटे से चीज का यहाँ पे फायदा उठाया कि जितनी भी कंपनी यहाँ पे मार्केट के अंदर ग्रो कर गई, जैसे आपकी बोट की बात करें, फायरबोल्ट की बात करें, नॉइस की बात करें, इन सबका कंसेप्ट सिमिलर था। पहले तो ये था कि चाइना जाके प्रोडक्ट सस्ते के अंदर लाना, उठा के यहाँ पर बेचना। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर चेंज हुए, तो उन्होंने क्या किया, चाइना से मशीन्स वगैरह ले आए, कुछ पार्ट्स वगैरह ले आए, और उसके बाद वैसे की वैसी मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना की फैक्ट्री में हुआ करती थी वो सब यहाँ करने लगे। लेकिन बात है कि सस्ते के चक्कर में जो क्वालिटी रहती वो लोगों को देखने को नहीं मिलती, और जो लोग हैं उन्हें भी शायद इतनी ज्यादा क्वालिटी, इतने ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे का रीजन है कि काफी सारे लोगों ने रियलिटी के अंदर एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। कितने लोग होंगे जिन्होंने एक VR OS की वॉच को यहाँ पे यूज किया होगा? कितने लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे एप्पल वॉच को यूज किया होगा? असली में काफी कम लोग। एग्जैक्टली में ऊपर से बात करें तो एप्पल वॉच तो सिर्फ एप्पल के आईफोन में ही अच्छे तरीके से चलती है, जबकि बात करें जो एप्पल वॉच अल्ट्रा के जो सस्ते क्लोन्स आते हैं ना, वो आप कहीं भी किसी में भी चला लो और वो 2,000 रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अगर ओरिजिनल वॉच यूज करी है ना, उसके बाद अगर आप नकली वाली यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा कमी है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। यार यही चीज है ना मार्केट के अंदर हर एक स्मार्ट वॉच के लिए ट्रू है जो आपको बजट और अफोर्डेबल सेगमेंट में देखने को मिल रही है। और जितनी भी कंपनियां, उन्हें पता है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में निकालेंगे तो ही बिकेगी। अगर वो थोड़े ज्यादा महंगे प्राइस में जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा फीचर या प्रीमियम डालने की कोशिश करेंगे या इवन VR OS डालने की भी कोशिश कर लेंगे तो भी वो नहीं चलने वाली। इवन फायरबोल्ट ने अपनी एंड्रॉयड पावर्ड कुछ स्मार्ट वॉचेस को निकाला था, यार वो भी सिर्फ इसलिए निकाली गई थी क्योंकि आज से तकरीबन 5 साल पहले भी सिमिलर चाइनीज वॉचेस भी आती थी जिसके अंदर Android OS चलता था, उसमें भी सिम कार्ड थे, लेकिन वो कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। अब ऐसा लगा यहाँ पे कि वही पुरानी चीज को रीब्रांड करके यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। वेल, ये चीज भी यहाँ पर हुई। इसी के साथ ही बात करें जो स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो कोर फंक्शनलिटी है वो अभी भी सेम है, जैसे कि स्टेप ट्रैक करना, स्लीप ट्रैक करना, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना, वो चीजें हैं। लेकिन जितनी भी बजट वॉचेस आती है ना, उनके अंदर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती। एटलीस्ट जो प्रीमियम वॉच भी अगर आप लेंगे ना, उनके अंदर आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। स्पेशली जो RTOS की जो अमीज फिट की जो प्रीमियम वॉचेस आती है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। इसके साथ ही बात की जाए तो लोगों में भी एक चीज देखी है मैंने कि लोग नई नई वॉचेस को ट्राई आउट करना चाहते हैं, नए नए ईयरबड्स को भी ट्राई आउट करना चाहते हैं, और अपने अफोर्डेबल सेगमेंट के कारण 6 महीने से 1 साल में उनको रिप्लेस करते रहते हैं। तो इस वजह से भी एक इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, जिस वजह से TWS और स्मार्ट वॉचेस की सेल्स यहाँ पर हुई है। लेकिन ये सेल्स क्या आगे चल के यहाँ पर इतनी ही कंटिन्यू रहेंगी, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन हाँ यार, इसको हम ट्रू स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो लिमिटेशंस होता है वो उसका सॉफ्टवेयर होता है, और वही चीज इनको यहाँ पे रोकती है। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर कोई स्मार्ट वॉचेस का अगर अच्छा एक्सपीरियंस थोड़े अफोर्डेबल रेट में जाए, या फिर जो लोग है वो अपना बजट इंक्रीज करके अगर अच्छी स्मार्ट वॉचेस का एक्सपीरियंस ले,
तब जाके कहानी में एक ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी वॉचेस तो यहाँ पे चलती रहेंगी, आपको फायर बोल्ट यहाँ पर ज्यादा बिकते हुए देखने को मिलती रहेगी क्योंकि प्राइस पॉइंट लो है। लेकिन अगर कोई दूसरा ब्रांड अगर खड़ा हो जाए जो फायर बोल्ट से भी सस्ते में अगर अपनी वॉचेस या मार्केट के अंदर ले तो फायर बोल्ट को हरा सकता है। लेकिन यार ये साइकिल बार बार चलती रहेगी और इसके अंदर आपको ना कोई नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर लोग अगर ज्यादा स्पेंड करने को तैयार हो और ज्यादा बेहतरीन चीज के लिए पीछे जाए तब शायद कहानी में यहाँ पे चेंज आ सकता है। लेकिन देख के ऐसा लग नहीं रहा कि चीजें यहाँ पे आने वाले समय में बदलेंगी। ऊपर से बात की जाए तो क्या ये सस्ती स्मार्ट वॉच लेना टोटली गलत है? देखो, अगर आपको बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट में एक वॉच ही चाहिए, अगर आपको स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस ही करना है और अगर आप सिर्फ खरीद नहीं चाहते हो तो हाँ, मार्केट में कुछ ऑप्शन है उनके ऊपर आप जा सकते हो और कुछ अच्छे ऑप्शन भी रहते हैं जिनको आप ट्राई आउट वगैरह कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर एक स्मार्ट वॉच का अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और मार्केट में जो महंगी वॉचेस होती है उनको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। जैसे की बात करें, गैलेक्सी वॉच 4 है, वो देखा जाए तो 2 साल पुरानी हो गई है, लेकिन कई बार जब 10,000 रुपए के नीचे एक अफोर्डेबल सेगमेंट में जब बिकती है ना, वो वॉचेस को लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो वॉच में जो नया वाला वियर ओएस था वो इंटीग्रेट किया गया था, जिस कारण से उसका जो स्मार्ट वॉच का जो एक्सपीरियंस है वो काफी इंप्रूव हुआ था। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको एडवांस फीचर्स चाहिए ना, उसके लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन चलिए यार, इस वीडियो में यही बात थी कि आखिर क्यों जो लोग हैं वो स्मार्ट वॉचेस खरीदते हैं, वो भी सबसे वर्स्ट वाली, और देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे रुकने वाला है। लेकिन ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज तब हो सकता है जब यहाँ पे अच्छी वॉचेस का रेट यहाँ पे गिर जाए, या फिर पुरानी जो अच्छी स्मार्ट वॉचेस है अगर वो थोड़े अफोर्डेबल सेगमेंट में आए तो शायद काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके ऊपर जाना पसंद करेंगे। लेकिन बाय द वे, आप लोगों से एक सवाल है, आप में से कितने सारे लोग हैं जो ऐसे ब्रांड्स की जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू, बने रहने के लिए मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।